बहुत सारी शॉकिंग चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्लिट्सविला 14 के नेक्स्ट डोम सेशन के कंफर्म्ड इलिमिनेशंस के बारे में विथ प्रूफ। तो क्या इस बार एक स्प्लिट्स विलन का इलिमिनेशन होगा? नहीं। तो क्या डबल इलिमिनेशन होने वाला है? अगेन द आंसर इज नो, क्योंकि तीन लोग स्प्लिट्सविला छोड़कर जाने वाले हैं नेक्स्ट डोम सेशन में। यस, इट्स क्वाइट शॉकिंग, इतने दिनों से इतने सारे कंटेस्टेंट्स आ रहे थे और एकदम से विला में अब तीन लोगों की अटेंडेंस कम हो जाएगी। तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो प्रीवियस एपिसोड में तीन न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आ चुकी हैं, जिसमें से शॉकिंगली तारा सिंह साक्षी श्रीवास के एक्स बॉयफ्रेंड हैं। और ये चीज तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो साक्षी के बॉयफ्रेंड होंगे। तो भाई साहब, अब जस्टिन डिक्रूज पर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है और इन तीनों का ट्रायो चलेगा। फिर अपकमिंग वीकेंड में आप सभी लोगों को एक टास्क देखने मिलेगा, जिसमें फाइनली दो एक्स रोडीज आमने सामने होंगे। आप सभी लोग जानते हैं मैं किन दोनों की बात कर रहा हूँ। दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी हामिद वर्सेस कशिश एंड इट विल बी अ ट्रीट टू वॉच बोथ ऑफ देम परफॉर्मिंग टुगेदर। तो चलो, ये तो मेन हाइलाइट्स हो गई नेक्स्ट वीकेंड की। अब बात कर लेते हैं धमाकेदार डोम सेशन के बारे में। इस डोम सेशन में मेन रोल प्ले करने वाले हैं शिवम शर्मा। जिनको नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि शिवम शर्मा एज अ गेस्ट अपीयरेंस ही स्प्लिट्सविला में आए हैं, बिल्कुल उर्फी जावेद की तरह, और उनके हाथों में होगी कुछ सीक्रेट पावर्स। पहला शॉक तो मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि नेक्स्ट डोम सेशन में कशिश ठाकुर और आकाश लीना चंद्रा और एकल के सामने जाएंगे। और यार, महीने भर पहले ही मैंने ये चीज रिवील कर दी थी कि पहले स्प्लिट्सविला 14 के आइडियल मैच कशिश ठाकुर और आकाश लीना चंद्रा ही होंगे, और अभी नेक्स्ट वीकेंड के डोम सेशन में वो चीज भी आप लोगों को कंफर्म हो जाएगी। बट नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि कशिश तो महक के साथ थे अब तक, तो एकदम से आकाश लीना के साथ वो ओरेकल के सामने कैसे जा सकते हैं? नाउ देयर आर टू प्रोबेबिलिटीज कि शिवम शर्मा ये ट्विस्ट ला रहे हैं और एल्स कार्ड्स ऑफ ओरेकल में से कोई एक कार्ड ओपन होगा। बट जो भी होगा भाई साहब, देखने में बहुत मजा आएगा। तो ये चीज तो आप लोगों को क्लियर है कि आकाश लीना और कशिश एक आइडियल मैच बन जाएंगे। नाउ बात कर लेते हैं यार कि ये ट्रिपल एलिमिनेशन क्या है, कौन से तीन लोग घर जाने वाले हैं एक साथ शो से। और ऐसा तो आज तक हिस्ट्री में हुआ भी नहीं स्प्लिट्सविला के, लेकिन इस बार होने वाला है, क्योंकि आकाश लीना और कशिश डंप करने वाले हैं आराधना को और साथ साथ साक्षी द्विवेदी को, और इन दोनों को घर लेकर जाएंगे शिवम शर्मा, क्योंकि शिवम शर्मा की भी शो की जर्नी अब कंप्लीट हो चुकी है। वो शो में जो भी मसाला देने आए थे वो दे चुके और उनका भी अब शो से टाटा गुड बाय हो जाएगा। अभी आई रियली डोंट नो कि शो में उर्फी की तरह उन्हें फिर से बीच बीच में बुलाया जाएगा या नहीं, और हो सकता है कि सीक्रेटली वो स्प्लिट्सविला में ही रहें और लोगों की फिर भी बजाएं। तो यस, सम अप करने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये तीन वो नाम है जो नेक्स्ट डोम सेशन में आप लोगों को घर जाते हुए दिखेंगे, विच इज आराधना, साक्षी डी एंड शिवम शर्मा। नाउ अगर प्रूफ्स की बात करें तो कशिश और आकाश लीना चंद्रा जो हैं ड्यूरिंग द टास्क सनी मैम और अर्जुन बिजलानी के बाजू में बैठे हुए हैं, और ऐसा तो तभी होता है जब कोई एक कपल आइडियल मैच बन जाता है और उसके हाथों में पावर्स आ जाती है, फिर उसके बाद उसे टास्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कशिश आकाश लीना का तो ये प्रूफ हो गया। नाउ अदर देन दैट, डोम सेशन के बाद मैंने आराधना और साक्षी डी को कहीं पर भी स्पॉट नहीं किया है, एंड दैट इज द मेन रीजन मैं आप लोगों को इन दोनों का एलिमिनेशन बता रहा हूँ। बट इफ इन केस ये दोनों आप लोगों को कहीं पर दिखती है तो मेरे को नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और प्रीवियस एपिसोड में जो भी धमाल हुआ है, लड़कियों के बीच में लड़ाई हुई है, एक दूसरे को उन लोगों ने गंदे गंदे कमेंट्स किए, उसके बारे में आपके जो पर्सनल ओपिनियंस है नीचे कमेंट में जरूर लिखकर जाना। एंड विद दिस सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।